नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान चौधरी आपका एकलव्य वेट क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को अब तक आपके फार्माकोलॉजी, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान तीन सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, इन तीनों के लॉन्ग क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरे को व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो ये है 2017 का पेपर है दोस्तों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, औषधि विज्ञान में मिक्स्ड का अर्थ खालिस्तान होता है। तो दोस्तों, इसमें आएगा मिश्रण या मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लूड ऑन्स खालिस्तान के समतुल्य होता है, मिलीलीटर के समतुल्य। तो दोस्तों, इसमें आएगा 28। नेक्स्ट है, खालिस्तान औषधियाँ लाल के स्त्राव को कम करती है। तो दोस्तों, इसमें आएगा एंटी साइलोगोगस। नेक्स्ट है, खालिस्तान विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधियों के जहरीले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसमें आएगा विश्व विज्ञान में किया जाता है, टॉक्सोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुर्गियां आईवी इंजेक्शन खालिस्तान सिरा में दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आएगा विंग वैन। नेक्स्ट है, गर्भाशय की मांसपेशियाँ शीतल करने वाले कारक खालिस्तान है। तो इसमें दोस्तों आएगा टोकोलाइटिक्स। कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट का प्रयोग मवेशियों में खालिस्तान के उपचार में लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आएगा मिल्क फ्योर। नेक्स्ट है, एक गिलोन खालिस्तान लीटर के समतुल्य होता है। तो दोस्तों, इसमें आएगा 4 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, रासायनिक पदार्थ जो सजीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें आएगा एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है, आमाशय में अम्लता को कम करने वाले खालिस्तान औषधि होती है। तो दोस्तों, ये औषधि है एंटासिड, ठीक है। नेक्स्ट है, यह आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट अपना आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इन क्वेश्चनों में परिभाषाएं बार बार रिपीट होती है। तो इनमें से 1, 2, 3 को परिभाषा ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो दोस्तों, पहले एंटीजायोमेटिक्स। तो दोस्तों, वह औषधि जो रोमन में किण्वन प्रक्रिया को करके गैस उत्पादन को कम करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, ड्यूमुलिसेंट, शरीर के विभिन्न भागों में सुरक्षात्मक एवं सुखदायक प्रभाव उत्पन्न करने वाली औषधियाँ। नेक्स्ट है, यूरिनरी लोथोलाइटिक, उत्सर्जन तंत्र में कैलकुलाई को कम करना। कार्मेनेटिव, पशु के शरीर से गैस को बाहर निकालने वाली। तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पशु के शरीर से यह आएगा गैस को बाहर निकालने का कार्य करती है। नेक्स्ट परिभाषा है दोस्तों, फार्माकोजेनेसी। तो दोस्तों, इसमें आया औषधियों के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फार्माकोजेनेसी। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक, वह औषधियाँ जो सजीव सतह पर सूक्ष्म जीवियों को मारने का कार्य करती है। नेक्स्ट परिभाषा है, फार्माकोडायनामिक्स, औषधि द्वारा पशु के शरीर पर किया गया कार्य, जो शरीर पर क्या कार्य करती है, अवशोषण का, उत्सर्जन का, वो सारा मैटर इसी में आता है, ठीक है। एस्ट्रीजेंट, वह औषधियाँ जो रक्त वाहिनियों के स्त्राव एवं सूजन को कम करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, वह औषधि जिसको शहद एवं गुड़ में मिलाकर जीभ पर लगाया जाता है, उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सपेक्टोरिएंट्स, कफ एवं बलगम को निकालने वाली औषधि। ये आपके 3rd क्वेश्चन आ गया है, ठीक है दोस्तों। इनके आंसर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, मैंने इनके आंसर लिख दिए क्वेश्चन नंबर 3rd व 4th को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो वो इस सल्पा समूह के प्रति जैविक औषधियों विस्तार से लिखिए। पाचन तंत्र के काम करने की औषधियों का वर्गीकरण लिखिए। सोडियम क्लोराइड के विभिन्न उपयोगों को विस्तार से लिखिए। पोसोलॉजी खुराक को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को विस्तार से लिखिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर है अपने पशु औषध विज्ञान 2019 का, ठीक है दोस्तों। तो इस 2019 वाले पेपर के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार दवा देना खालिस्तान लिखते हैं, जो उपचार पर्ची का संक्षिप्त रूप है दोस्तों, VID। तो उसका और तो क्या होगा, BID। दिन में 2 बार को संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं, BID। नेक्स्ट है, एक अंश खालिस्तान ग्रहण होते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर एक 437.5 ग्रेन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गोवंश में अंतःशिरा इंजेक्शन की जगह इंट्रावेनस
में कौन सी जगह देते हैं? जुगलर वेन में। नेक्स्ट है, लार स्त्राव बढ़ाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली खालिस्तान औषधियाँ कहलाती है, तो दोस्तों इसमें आएगा साइलोगोगस। नेक्स्ट है दोस्तों, औषधियाँ जिनके प्रभाव से पसीने के स्त्राव एवं प्रभार में कमी आती है, तो इसको कहते हैं एनहाइड्रोटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिंगर गोल का उपयोग खालिस्तान एवं आघात की स्थिति में किया जाता है, तो दोस्तों ये इसमें आंसर में आएगा इसका निर्जलीकरण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग हार्ट में खालिस्तान मिलीलीटर ल्यूगोलोगस आयोडीन लगाने से खुरदरी सतह बनने के कारण लिगामेंट मीडियल लिगामेंट फिसलता नहीं है, तो दोस्तों इसमें कितना आएगा 20 ml। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर की पूर्णतः बेहोशता से गहराई नींद में ले जाने वाली औषधियाँ खालिस्तान कहलाती है, तो दोस्तों इसमें आएगा नारकोटिक्स। ग्लिसरीन को वसा एवं फिक्स्ड तेलों को खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों एल्कोहल से प्राप्त किया जाता है। घोड़े में पेपराजिन की खुराक खालिस्तान होती है, तो दोस्तों इसमें आएगा 100 से 300 mg/kg बॉडी वेट, ठीक है दोस्तों। ये आ गए इसके आंसर, आप आराम से ये आंसर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर किसी दोस्त को किसी भी प्रकार के पीछे आंसर करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं पांच को परिभाषित कीजिए, तो दोस्तों फर्स्ट वह उपचार पर्ची, वह पर्ची जिसमें पशु मालिक एवं पशु को दी जाने औषधि का विवरण होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें विवरण आ गया कि पशु के लिंग, उम्र, जो भी नस्ल है उसका सारा, पशु मालिक का नाम, प्रजाति, ये सारी इसमें आ गई। कार्डिक डिस्प्रिंट, वह औषधि जो हृदय की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, रोगी का संपूर्ण विवरण, एग्जाम्पल पशुपाली का नाम, पशु की प्रजाति, लिंग, उम्र आदि होता है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, उपचार पर्ची और सबस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन मुख्य उपचार पर्ची का भाग है, तो दोस्तों इनमें अंतर है। इसमें तो रोगी का विवरण आता है, जो रोग का क्या क्या विवरण है ओनली वही आता है, इसमें सारा ही आ गया कि किस प्रकार देंगे, चार भाग होते हैं, चारों भागों का क्या विवरण है, वो सारा विवरण इसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है होस्ट या ड्रॉट, उपचार पर्ची में इसका शाब्दीकरण तुरंत होता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक, वे तत्व जिनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, तो नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर पर वैसा है दोस्तों इसमें डिसइंफेक्टेशन। अब एक बात सोचना, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टिक और एंटीबायोटिक, ये परिभाषा बार बार रिपीट हो रही है, तो दोस्तों ये परिभाषा है निर्जीव सतह जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करती है, उदाहरण है फिनोल या फिनाइल। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, वह औषधि जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधियाँ जो अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट एवं वृद्धि को रोकने का कार्य करती है, तो नेक्स्ट है इसमें प्रोकेन पेनिसिलिन, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के निर्माण को रोककर जीवाणु को मारने वाली औषधि। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग फ्रैक्चर के उपचार में करते हैं, इसका उपयोग करने से शरीर का भाग अगतिशील हो जाता है, इसमें गतिशील नहीं अगतिशील आएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों। मैं लिख देता हूँ अगतिशील, ठीक है, अगतिशील हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सबस्क्रिप्शन, उपचार पर्ची का वह भाग जिसमें निर्देश होता है कि दवाई किस रूप में दी जाती है, उदाहरण है इंजेक्शन, चटनी, पाउडर, लोशन, तो दोस्तों ये 3 नंबर पर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 आ गया, इसमें 4 में से 2 करने होते हैं। नेक्स्ट है पशु औषध विज्ञान पेपर नंबर 2020।